साथियों नमस्कार, मैं हूं हारून अंसारी। आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। भोपाल से आज फिर बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। कल सोमवार का दिन है और कल फिर हम कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इससे पूर्व क्रमोन्नति के जो आदेश हुए हैं उसमें सभी अध्यापक साथियों ने मिल कर के जितने भी हमारे प्रांतीय पदाधिकारी थे उन्हें बधाइयाँ दी हैं। इसमें चाहे परशुराम जी कापड़िया हो, चाहे भरत जी पटेल हो, जगदीश जी यादव हो, शिल्पी बहिन शिवान, शिल्पी शिवान हो, या इस अन्य जो शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी हो, तमाम जो पदाधिकारियों ने कहीं न कहीं क्रमोन्नति दिलवाने के लिए प्रयास किए, उन सभी को बधाइयाँ मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है हम अध्यापकों के लिए कि जिसमें भरत जी पटेल, शिल्पी शिवान, जगदीश जी यादव, हमारे साथियों ने जो प्रयास किए हैं वह बहुत ही सराहनीय रहे हैं। तो एक और खबर जो निकल कर आ रही है वह यह है कि सोमवार को फिर हो सकती है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान की अंतिम कैबिनेट की बैठक। और इस अंतिम कैबिनेट की बैठक में बताया जा रहा है कि नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी 3 लाख कर्मचारियों, शिक्षक भाइयों बहनों को मिलेगी उनकी अपनी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर उनकी सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए ग्रेजुएटी की राशि का भुगतान कराने के प्रस्ताव की मंजूरी के साथ साथ जुलाई 2018 में नवीन नियुक्ति के नाम पर शून्य कर दी गई 20-22 साल की नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली का आदेश देने हेतु कैबिनेट की बैठक में मुद्दा शामिल होकर मिल सकती है मंजूरी। यह बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि हमें वरिष्ठता के आदेश मिल सकते हैं या मंजूरी मिल सकती है, हमें जानकारी मिल सकती है कल सोमवार की कैबिनेट की बैठक में। उक्त दोनों मांगों की पूर्ति करने की मांग को लेकर 54 दस्तावेज गजटों की छाया प्रति लगाकर तथा 98 से लेकर 2023 तक शिक्षा कर्मियों, अध्यापकों और गुरुजियों तथा नवीन शिक्षक संवर्ग के नाम से समय समय पर निकाले गए विभिन्न आदेशों को लगाकर नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता हासिल करने के पक्ष में सौंपे गए सबूतों वाली फाइल पर ही शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण स्वामी ने नोट शीट लगाकर सहमति एवं हस्ताक्षर हेतु मुख्यमंत्री जी को भेजी है। भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, विघ्नहर्ता गणेश जी ने चाहा, या गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज ने चाहा, या हमारे इष्ट भगवान, इष्ट देवता ने चाहा, तो मुख्यमंत्री जी से उक्त दो मांगों की पूर्ति के लिए कल सोमवार को निर्णय पारित करा लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो प्रदेश भर के उक्त संवर्ग के सभी 3 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों, भाइयों और बहनों की जिंदगी संवर जाएगी। उक्त जानकारी वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के संस्थापक सदस्य एवं निर्णायक मंडल के सदस्य सुदामा प्रसाद जी शर्मा ने दी है। नवीन शिक्षक संवर्ग को उनकी अपनी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए ग्रेजुएटी का आदेश जारी करवाने में और 2018 में शून्य हुई वरिष्ठता बहाली कराने में मनीष जी पांडे, मनीष जी रस्तोगी जी, शिव कुमार जी चौबे, रमेश चंद जी शर्मा, हेमंत जी मिश्रा, श्रीवास्तव जी, छतरवीर सिंह जी राठौर साहब, प्रमोद जी, भरत व्यास जी, निरंजन जी, मधुकर सांवला जी और भी बहुत लोगों के सहयोग से वरिष्ठता बहाली मंच को यह सफलता 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग हितार्थ मिलने जा रही है। ऐसा करने में वरिष्ठता बहाली मंच के प्रमोद सिंह पंवार, परशुराम जी कापड़िया, रामचरण वर्मा जी, रामचंद्र दागी, बाल गोविंद द्विवेदी, लाखन सिंह सेंगर, सहयोगी मुरारीलाल जी सोनी, इनका सफल सराहनीय प्रयास रहा है। इसके अलावा अन्य जो भी संगठन इसमें प्रयासरत हैं, जिसमें आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ है, शिक्षक संघ या शिल्पी शिवान मैडम वाला आज़ाद अध्यापक संघ हैं, ये सारे लोग मिल करके या संयुक्त मोर्चा संघ विशेष करके, ये सभी लोग मिल करके जो प्रयास कर रहे हैं, इनके प्रयासों के माध्यम से हमें हो सकता है सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय की अंतिम कैबिनेट बैठक में वरिष्ठता के या ग्रेजुएटी के आदेश मिल सकते हैं। तो बने रहें चैनल पर और देखते रहें चैनल को। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट्स करें। यह केवल सभी का प्रयास है
संभवतया मिल सकती हैं। जो प्रांतीय पदाधिकारियों की ओर से हमें सूचना मिलती है या उनके मैसेज प्राप्त होते हैं या उनसे जो बातचीत होती है उसके बाद ही हम इस प्रकार के समाचार, इस प्रकार की सूचना आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।